आपने अक्सर अपने लाइफ में ऐसा देखा होगा कि आपके अगल बगल, आपके आस पड़ोस लोगों में से कुछ लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी वे सफल नहीं हो पाते, और वहीं पर कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, फिर भी वह लगातार सफल होते जाते हैं। अगर आकर्षण का नियम दोनों के जीवन में लगातार काम कर रही है, तो दोनों को एक तरह की सफलता क्यों नहीं मिलती, यही बात तो आपको समझना है। आज आपके पास जो कुछ भी है, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देखने और सुनने में तो बहुत ही छोटी चीज लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनका असर बहुत ही प्रभावशाली होता है। बस आपको जरूरत है जागरूकता की, आपको जरूरत है अपनी उन चीजों के प्रति अवेयर होने की जो आपके पास है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ शब्दों के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिनका उपयोग बहुत से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज्ञानी लोग करते हैं, और साथ ही साथ मैं काफी समय से खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। वास्तव में अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड के इस आकर्षण के नियम का इस्तेमाल हर एक व्यक्ति प्रत्येक क्षण कर रहा है, और इसी के इस्तेमाल से ही आप अपने जीवन में घट रही प्रत्येक घटनाओं को लगातार आकर्षित कर रहे होते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप ब्रह्मांड के इस नियम का प्रयोग करना सीख लेते हैं, तो आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रह जाती है। जिसने आकर्षण के नियम को ठीक तरह से समझ लिया है, उन्होंने अपनी जिंदगी 100% बदल ली है। जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं, तो आपका वही शब्द ध्वनि के रूप में बाहर जाती है, और वही ध्वनि ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, जो कि आपके कौरा मंडल से होकर इस ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। और हमें ये भी पता है कि आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार ये ब्रह्मांड हमारे लिए लगातार काम कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके शब्द तय करते हैं कि आपका आने वाला भविष्य, आने वाला पल कैसा होगा। इसलिए जब भी आप किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट बहुत ही इम्पैक्टफुल मिलता है, क्योंकि आकर्षण के नियम का संबंध भी शब्दों के प्रभाव से जुड़ा होता है। आप जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनका महत्व, टोन और व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित कर सकता है। आपके शब्द आपके विचार और आपकी प्रतिभा को व्यक्त करते हैं, जिससे कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं, या आपकी इच्छा आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। यहाँ तक तो हम ये समझ चुके हैं कि शब्दों का असर बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसलिए शब्दों के पीछे छिपी ऊर्जा को आपको समझना होगा कि किस तरह के शब्द आपको उपयोग करना चाहिए। इसे आप शब्द कहे या मंत्र कहे, आपके हर एक बातों का, आपके वाक्यों का असर देखने को आपको जरूर मिलता है। अब हम आगे ये जानेंगे कि इसी के पीछे यह विज्ञान कैसे काम करता है। आप अच्छे से जानते हैं कि हम कितना भी चाह ले, हम समय को कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। हमें समय के अनुसार चलना होगा, मतलब हम समय को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है जिसे हम अपने फेवर में कर सकते हैं, और वो है हमारे हालात। हम अपने हालातों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। मान लीजिए कि आपका कोई भी काम किसी भी व्यक्ति की वजह से रुका हुआ है, किसी व्यक्ति की वजह से ही आपका वो काम नहीं बन पा रहा है, तो ये आपके हाथ में है कि आप उस व्यक्ति को ही अपने फेवर में कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपके जीवन में ऐसे बहुत से काम होंगे जिसे आप अपने फेवर में कर सकते हैं, और उस काम को पूरा कर सकते हैं। और जब आपके जीवन में बहुत सी चीजें आपके फेवर में काम करने लगे, तब उसी दिन से आपकी लाइफ वास्तव में बदल सकती है। क्या आपने कभी इस तरह सोचा है कि अक्सर आपके जीवन में मुश्किलें तभी आती है जब आपके आसपास की माहौल आपके फेवर में काम नहीं करता। आपकी आसपास की चीजें, आपका वातावरण आपके विपरीत काम करता है, और आपके जीवन में चीजें इतनी मुश्किल हो जाती है कि आसान चीजों को भी आप अपने जीवन में अचीव नहीं कर पाते हैं, वो आपके विरुद्ध काम करने लगती है। इसलिए इस तकनीक को आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, लगभग हर एक इंसान की ये प्रॉब्लम है कि हालात उनके फेवर में काम नहीं करती है। अगर आप इस टेक्निक को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो वास्तव में मेरी बात मानो, आप भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रूवन टेक्निक है जो कि बहुत से लोगों ने यूज किया है, बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने इसे यूज किया है, और साथ ही साथ मैं भी इसे बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ। मैं अभी आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपकी लाइफ में सब कुछ आपके पक्ष में काम करेगा। इसलिए मेरे बताए गए इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आपने इसे फॉलो कर लिया, तो ये यूनिवर्स आपको आपके लाइफ में सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो यूनिवर्स को ऐसी वस्तु या चीज नहीं है जिसे कुछ महसूस नहीं होता है। सच बात तो ये है कि यूनिवर्स आपको हर समय नजर रख रहा है, ये यूनिवर्स हर समय आपको देख रहा है, और इस यूनिवर्स में ही, इस ब्रह्मांड में ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि ये बात महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भी कही थी कि इस यूनिवर्स में हमारी सभी समस्याओं का समाधान है, और उसकी चाबी हमारे दिमाग के पास है। क्योंकि ये यूनिवर्स हमेशा यही चाहता है कि आप ग्रो करें, आप अपने जीवन में आगे बढ़े,
क्योंकि आगे बढ़ना और ग्रो करना और प्रचुरता को पाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अपने मर्जी की अपनी पसंद की लाइफ को जिए और यही सृष्टि का नियम है। अगर ऐसा ना होता तो ये ब्रह्मांड सबके लिए एक जैसा नहीं होता। यह विधि मैं आपको जो अभी बताने जा रहा हूँ यह बहुत ही सरल विधि है, जिसका सबसे पहला रूल नियम यही है कि आपको इस पर विश्वास करना होगा। मैं अभी आपको 5 वाक्य या कहे 5 मंत्र 5 सेंटेंस या कुछ शब्द बताने वाला हूँ और इसमें आपको यही ध्यान देना है कि इन सेंटेंस को आपको कब और कैसे यूज करना है। हो सके तो आप इन शब्दों को एक नोटबुक में नोट कर ले क्योंकि ये आपके लिए बेहतर होगा। ये 5 मंत्र इस प्रकार है। पहला, सब कुछ मेरे लिए अच्छे से काम कर रहा है। दूसरा, जो मैं चाहता हूँ वह सब कुछ मेरे पास आ रहा है। तीसरा, सब कुछ मेरे पक्ष में मेरे फेवर में हो रहा है। चौथा, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड से मुझे वह सब कुछ मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ। ये जो 5 वाक्य मैंने आपको बताया ये सिर्फ वाक्य नहीं है बल्कि ये एक मंत्र के रूप में आपके जीवन में काम करेगा। अब आपको ये जानना है, ये सीखना है कि इन्हें आपको कहाँ और कैसे उपयोग करना है। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही असरदार वाक्य है जो आपके जीवन में ऐसे ऐसे मोमेंट्स में आपकी मदद करेगा जहाँ पर कोई भी मदद करने वाला ना हो। बहुत से सफल लोग जैसे कि क्वानी मैंडेस, निकोला टेस्ला, डॉक्टर जोसेफ मर्फी इन वाक्यों का उपयोग करते थे और यहाँ तक कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन वाक्यों का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ मैं खुद भी इन वाक्यों का उपयोग करता हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इन वाक्यों को आपको कब और कैसे उपयोग करना है। सबसे पहला, इसके 3 तरीके हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका, जब भी आप किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हो, मान लीजिए आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं या आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई है, उस समय अगर आप इन वाक्यों को, इन सेंटेंस को बोलते हैं, यानी कि आपको इन वाक्यों को, इन शब्दों को अपने मन से, अपने आप से कहना है, इससे आप इनका असर तुरंत देखेंगे। इसे ठीक से समझिए, आपके साथ कोई ऐसी स्थिति आ गई है जो आपके बिल्कुल फेवर में नहीं है और आप वहां से निकलना चाहते हैं, या आपका कोई काम बिगड़ गया है जिसे आप बहुत ही मेहनत या बहुत ही मन से कर रहे थे और अब आप चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से ठीक हो जाए, तो वहां पर यही वाक्य आपकी मदद कर सकता है। उस वक्त आपको ये कहना चाहिए कि मेरे लिए सब कुछ ठीक से चल रहा है, मेरे जीवन में अभी की स्थिति भी मेरे लिए बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। इन शब्दों को आपको पूरे विश्वास के साथ बोलना है, फिर आप देखेंगे कि कुछ ही समय में इनका असर आपको मिल जाएगा। हो सके आपकी सिचुएशंस नॉर्मल होने लगेगी या आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी जो कि आपके फेवर में हो जाए, क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए तो अधिकांश लोगों के पास जब समस्या आती है तब वे इसके विपरीत सोचते हैं और नकारात्मक बोलते भी है, तो इससे उनका ध्यान, उनका कॉन्शियस माइंड समस्या पर केंद्रित हो जाता है और उस वक्त जो भी बात आपके कॉन्शियस माइंड में जाती है वह बहुत ही इम्पैक्टफुल होती है, जो कि सीधा कॉन्शियस माइंड के द्वारा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं नकारात्मक बातों को पकड़ता है, जिससे कि वो समझ नहीं पाता है कि आपको किस तरह के सिचुएशंस देना चाहिए और आपके उन्हीं नकारात्मक बातों को पकड़कर आपकी समस्या को कम करने के बजाय और अधिक बढ़ाने लगती है। जैसे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, यह काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं इस मुसीबत से उभर क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये सब ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ये कब ठीक होगा, और इसी तरह बहुत से नकारात्मक वाक्य हम लोग प्रयोग करते हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि अगर आप इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो आपकी समस्याएं और अधिक क्रिटिकल होने लगेगी, इसलिए उन क्षणों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक वाक्यों से करें और ऐसे वाक्य जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल हो। मैं थोड़ी देर पहले जो भी वाक्य आपको बताया, जो भी 5 वाक्य आपको बताया, वह बहुत ही इम्पैक्टफुल वाक्य और मंत्र है जो कि आपके हालात को बिल्कुल बदल कर रख देंगे। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि आपके द्वारा कही गई हर बात ऊर्जा के माध्यम से इस ब्रह्मांड तक जाती है और ये यूनिवर्स आपकी हर एक बातों पर प्रतिक्रिया करता है। आप जो भी बोलते हैं उनका एक रिएक्शन होता है और आपको ये समझना होगा कि उनका रिएक्शंस बिल्कुल सेम होगा, जिससे कि नकारात्मक शब्दों का उपयोग करने से सिचुएशंस आपके फेवर में और काम नहीं कर पाती है। इसलिए अगर आप बुरी परिस्थिति में हो तो इन वाक्यों को अपने आप से बोल दे, यानी कि आप एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो आपके हालात आपके फेवर में बन सकते हैं और ये सारा काम आपका अवचेतन मन इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करके करता है। ब्रह्मांड का यह आकर्षण सीधे तौर पर आपके चेतन तथा अवचेतन मस्तिष्क से प्रभावित होता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपके पूरे शरीर का वह हिस्सा है जो कि किसी रेडियो या टेलीविजन के सिग्नल्स को कैच करने वाली मशीन का होता है। इसलिए अगर आप सचेतन तरीके से
अपने अवचेतन मन के कार्यों को जानने की कोशिश जब करेंगे तब आपको यह पता चल जाएगा कि जब भी आपके जीवन में कुछ अप्रिय या दुखद घटना होने वाली होती है उससे पहले ही आपका मस्तिष्क आपके साथ कुछ अजीब अजीब सुखद या दुखद भरी अनुभूति पैदा करता है। उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके साथ वह घटना घटित होने वाली है। उस वक्त आप परेशान होने लगते हैं, आपको बेचैनी होने लगती है। ठीक इसके विपरीत भी होता है। अगर आपको कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं तो आपके भीतर में एक अनंत खुशी होती है, आपके भीतर एक नई ऊर्जा की प्रवाह होती है। बहुत से लोगों को इसका अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं, साथ ही साथ मैंने भी इस रिजल्ट्स को महसूस किया है। जब से मैंने इन वाक्यों को अपना बिलीफ्स बनाया है तब से मैं किसी भी बारे में चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जैसे भी सिचुएशंस होंगे वो सब कुछ मेरे लिए ठीक चल रहा होगा। या वर्तमान में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो भी सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ, वो सभी कुछ मेरे लिए ठीक चल रहा है। उन सभी सिचुएशंस का आना भी मेरे जीवन में बहुत ही जरूरी है। दूसरा तरीका ये है कि इन वाक्यों को आप तब भी यूज कर सकते हैं, तब भी प्रयोग कर सकते हैं जब आपके सिचुएशंस आपकी हालात अच्छे हो। क्योंकि जब भी आपके सिचुएशंस आपके हालात अच्छे होते हैं, जब भी आपका दिन अच्छे से गुजरता है, तब उस दिन आपको लगातार सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है और निश्चित रूप से आपके लिए सब कुछ काम कर रहा है। जब उस वक्त भी आप इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं तब आप अपने भीतर के वाइब्रेशंस को और अधिक इम्प्रूव कर लेते हैं और आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस एक सकारात्मक ऊर्जा बनाकर इस ब्रह्मांड तक जाती है, जिससे कि ये ब्रह्मांड आपके हालात को और अधिक अच्छे मोमेंट्स में ले आते हैं और अधिक इम्पैक्टफुल बनाते हैं। सभी के लिए कृतज्ञता की भाव रखना है, इस ब्रह्मांड को थैंक यू करना है, तभी आप अपने भीतर के वाइब्रेशंस को लगातार बढ़ा पाएंगे। जब आप जिस तरह के वाइब्रेशंस इस ब्रह्मांड को देते हैं तो ये ब्रह्मांड भी आपको उसी तरह के वाइब्रेशंस वाली चीजें दिखाता है। ये चीजें आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज के रूप में आती है। मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस में और बढ़ोतरी कर पाएंगे। मान लो आप काम कर रहे हैं तो आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होगी जिसकी मदद से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इस तरह से आप एक बुरे समय को बहुत ही आसानी से अच्छे समय में बदल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि आपके जीवन में सभी चीजें जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, जो भी आपके पास है, वे सभी चीजें आपके लिए अच्छे से काम कर रही है। आकर्षण के नियम के साथ साथ आपको इस पर पूरी आस्था और विश्वास रखना होगा। और इसीलिए जब भी आपके जीवन में आपको सफलता मिलती है, आप अपने आप से यह भी कह सकते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप अपने वाइब्रेशंस को, अपनी ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक रख सकते हैं, जिससे कि आप इस ब्रह्मांड से लगातार सकारात्मक ऊर्जा ही आकर्षित करते रहेंगे और अपने जीवन में हमेशा प्रचुरता, अबंडेंस और समृद्धि को अचीव करेंगे। तीसरा और अंतिम तरीका है कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले इन शब्दों को, इन वाक्यों को आपको जरूर बोलना है। अगर इस वक्त आप इन वाक्यों को कहते हैं तो ये आपके लिए एक मंत्र जैसा काम करेगा। इन वाक्यों पर आप जितना अधिक विश्वास करेंगे उतना ही अधिक आप अपने जीवन में उन सभी चीजों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं जो भी आप चाहते हैं। चाहे आपकी इच्छा धन से संबंधित ही क्यों ना हो, अगर आप धन चाहते हैं तो आप मनी के फील्ड में भी एक प्रचुरता को, अबंडेंस को पाएंगे। इसलिए आप इन पांच वाक्यों को या मंत्रों को ऐसे जगह में लिख कर रख सकते हैं जहां पर आप इसे दिन में कई बार देख पाए, ताकि जब भी आप इन वाक्यों को देखें तो देखने से ही आपके भीतर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वही ऊर्जा इस ब्रह्मांड तक लगातार पहुंच सके, जिससे कि आपका आने वाला हर एक पल आपके फेवर में काम कर सके। इसलिए दोस्तों, आज से ये काम को करना शुरू कर दे और जब भी आप इस ब्रह्मांड से या ईश्वर से या जिस भी बनाने वाले से आप रिक्वेस्ट करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो आप इन वाक्यों को भी कहने का आदत डाल दे कि सब कुछ मेरे लिए अच्छे से काम कर रहा है, ताकि आप अपनी हर एक इच्छाओं को सफलता के रूप में प्राप्त कर सके। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप प्रचुरता को पाएंगे, अबंडेंस को पाएंगे और एक सफल जीवन को जिएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।